सलाम अलैकुम। आज मैं आपसे भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत कम चीज़ों में बनती है, सिर्फ प्याज में और इमली का पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस फ्लेवर के लिए और घर के मसाले। ना इसमें दही जाएगी, ना इसमें टमाटर जाएंगे, बस ये प्याज और इमली का पानी और घर के मसाले। इसमें बनेगी हरी मिर्ची, आपको पता है तीखा करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं प्याज दो मीडियम, और इसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, और ये हरी मिर्चें कट करके इस तरह मैंने डाल दी हैं। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करने से। लेस इंग्रेडिएंट भिंडी मसाला है ये। सिचुएशन के हिसाब से हमें कम से कम चीज़ें यूज़ करनी है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑयल ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। बस ये ओनियन जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं, इसे अब हम इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड कर दी है, बस थोड़ा सा ऐसे चलाएंगे। लेस इंग्रेडिएंट भिंडी मसाला, प्याज, हरी मिर्चें, इमली का पानी और घर के मसाले। नो टोमेटोज, नो योगर्ट, भिंडी है ये। कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। वेजिटेबल तो वैसे भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम है कितना टाइम लगता है इन्हें उगने में। देखें भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसमें अब हम इमली का पानी हमने बनाया है वो थोड़ा सा डालेंगे। इस इमली के पानी से बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती, इमली थोड़ी अच्छी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। इमली का पानी डाल दिया है ताकि मसाले नहीं जलें। अब इसमें जाएगा गरम मसाला आधा चमचा, धनिया दो चमचे, क्योंकि धनिया इन मसालों से ही इसकी जो ग्रेवी टाइप कह सकते हैं वो बनेगी। एक चमचा ज़ीरा, और ये आधा चमचा और ज़ीरा। अब इसमें जाएगी आधा चमचा हल्दी, और ये एक चमचा रेड चिल्ली पाउडर। बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब आपको लगे कि मसाला, देखें नीचे से अगर लग रहा है, अगर आपको लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके इमली का पानी डालते जाएं, तो मसाला नीचे से जलेगा नहीं। लेस इंग्रेडिएंट भिंडी मसाला रेडी कर रहे हैं। अब हम शामिल कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इमली का। अगर आपको ये रेसिपी इजी सिंपल सी भिंडी मसाला लेस इंग्रेडिएंट अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इमली के पानी जब हम डालते हैं उससे ये खट्टी नहीं होगी, क्योंकि मसाले जो हैं इमली के पानी को कवर कर देंगे, तो ये खट्टी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके आप इमली का पानी डालते रहें ताकि ये मसाले नीचे से जले नहीं। इसे इतना भूनना है कि बस ये मसाले अच्छे से सूख हो जाएं, मसाले कच्चे ना रहें। जब आपको लगे कि मसाले में से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है तो हम इसे कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट काफ़ी हैं।
लेस इंग्रेडिएंट। भिंडी मसाला तकरीबन रेडी है, मसाले तकरीबन कुक हो चुके हैं। स्पाइसेस आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो कम यूज़ करें, ज़्यादा खाते हैं तो और उसे बढ़ा लें आप। थोड़ा सा लास्ट का बच गया है, मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ। अब इसे इस पॉइंट पे हम मिक्स करेंगे और दम पे रखेंगे। रेडी है हमारे भिंडी मसाला, लेस इंग्रेडिएंट भिंडी मसाला रेडी हो चुका है। दम पर रखेंगे तो इसमें ये जो हल्का सा क्रंच है भिंडी में, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सब सारे मसाले, सब कुछ, भिंडी, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी दम पर रखने से। लेस इंग्रेडिएंट भिंडी मसाला रेडी है दम पर रखने के लिए। इसे अब हम दम पर रख देंगे कवर करके। ये देखें, हमने इसका कैप हटा दिया है, भिंडी बिल्कुल रेडी है। ना हमने इसमें योगर्ट यूज़ की है और ना ही हमने इसमें टमाटर यूज़ किए हैं, सिर्फ प्याज, घर के मसाले और इमली का पानी। इमली के पानी से ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले जो हैं वो कवर कर देते हैं इमली के पानी को, एक अच्छा सा ही फ्लेवर आता है, कोई खट्टा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। ये देखिए रेडी है बस। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और ये रेडी है बिल्कुल।